ये गाड़ी आप देख रहे हैं इसी तरह की गाड़ी सिद्धू मूसेवाला की थी। उनतीस मई की शाम को क्या हुआ? क्या मूसेवाला की जान बच सकती थी? क्या पुलिस की लापरवाही से मूसेवाला की जान गई? जब अलर्ट पर था पंजाब, तब कैसे शूटर्स मूसेवाला तक पहुंच गए? जगह जगह लगे थे पुलिस नाके, फिर हत्यारे कैसे मूसेवाला तक पहुंचे? और सबसे बड़ा सवाल, हाई अलर्ट के बावजूद कैसे पुलिस देखती रह गई और हत्यारे भाग निकले? इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए इसकी टीम पहुंची पंजाब के मानसा जिले में। हम मूसेवाला के घर से उस जगह तक पहुंचे जहां मूसेवाला के शरीर को गोलियों से छलनी कर दिया गया था। हर उस जगह पर गए जहां मूसेवाला की गाड़ी गई, हर उस जगह पर गए जहां शूटर्स की गाड़ी पहुंची। हमने पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। आखिर कैसे शूटर्स पुलिस पोस्ट और नाकों को चकमा देते हुए मूसेवाला तक पहुंचे? कैसे मूसेवाला की हत्या करने के बाद दोबारा पुलिस पोस्ट को चकमा देते हुए हत्यारे आराम से फरार हो गए? आपके जहन में अभी भी ये सवाल होगा कि सिद्धू मूसेवाला के साथ आखिर हुआ क्या, कौन लोग थे, कैसे उन्होंने ये पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। इन सभी सवालों का जवाब हम आपको देंगे आज जी मीडिया नेटवर्क पर। रिक्रिएट करेंगे पूरा सीन कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। हमारी इन्वेस्टिगेशन में साथ दिया जवाहर के गाँव के सरपंच राजेंद्र सिंह ने। जवाहर के गाँव वही है जहां 29 मई की शाम को सिद्धू मूसेवाला का शूटर्स ने मर्डर किया था। सिद्धू मूसेवाला शाम 5:15 बजे अपने घर से निकले। जैसे हमारी गाड़ी निकली है, ठीक उसी तरह सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी घर से निकली। मूसेवाला की गाड़ी के पीछे शूटर्स ने अपनी टोयोटा कोरोला कार लगा दी और पीछा करने लगे। सिद्धू मूसेवाला के घर से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है सदर थाना, जहां अक्सर पुलिस का नाका लगा रहता है, लेकिन शूटर्स की कार की कोई चेकिंग नहीं की गई। देखिए, अभी हमें कुछ ही मिनट हुए हैं वहां से आए हुए। ये थाना सदर है, ये यहां पे लिखा हुआ पंजाबी में थाना सदर मानसा, और यहां पर जो है ये जिला मानसा का थाना सदर है। यहां आप दूरी देखिए, 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी है, और यहाँ पहला नाका। उनके पीछे वो गाड़ियाँ लगी थी, वो हत्यारे यहीं थे, और पुलिस को कानो कान खबर नहीं हुई। ये थाना सदर का बोर्ड आपके सामने, सड़क पे ही है ये थाना सदर। चलिए आगे चलते हैं राजेंद्र जी के साथ और जगहों को देखते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या क्या हुआ था। यहाँ से गाड़ी क्रॉस की होगी, लगभग 4 से 5 मिनट बाद यहाँ से गाड़ी क्रॉस कर गई होगी। क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के लिए हमने थार जीप का इस्तेमाल किया, जो बिल्कुल सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी से मिलती जुलती है। ठीक इसी तरह मूसेवाला की थार जीप का शूटर्स पीछा कर रहे थे। जैसे वो शख्स बैठे, ऐसे ही सिद्धू मूसेवाला भी बैठे थे। तो ये आपको दिखा रहे हैं, हम सिद्धू मूसेवाला के घर से करीब 5-6 मिनट की दूरी पे हैं, और ये गाड़ी इसी तरह चल रही, यही थार जीप थी। जब थाना सदर क्रॉस हुआ तो उसके बाद एक सड़क आती है जहां अक्सर गाड़ियों की चेकिंग की जाती है, इसे रामदिता वाला चौक कहते हैं। यहां से भी शूटर्स आराम से निकल गए। राजेंद्र जी आ जाइए, तो ये हम थोड़ा नाका समझने की कोशिश करेंगे। अब आप देखें, जिस तरह हमारी गाड़ी पीछे लगी हुई है उस थार गाड़ी के, उसी तरह उनकी गाड़ी थी, इसी तरह गाड़ी चल रही थी जो बिल्कुल इस तरह टप्पी नहीं। तो ये राजेंद्र जी, ये जो रास्ता है, यहाँ देखिए पुलिस अभी भी खड़ी हुई है, ये पुलिस आप देख सकते हैं, और ये नाकेबंदी है, देखिए काफी स्ट्रांग है, 24 घंटे रहते हैं। 24 घंटे नाका रहता जी, 24 घंटे पुलिस रहती है। ठीक है जी, ये मेन शहर का रास्ता है, क्योंकि इधर सरदूलगढ़ सरसा बागी सड़क, तो ये लुधियाना मोगा बागी, ठीक है, बरनाला बड़ा जी चंडीगढ़ वाला रास्ता है। टोयोटा कार से शूटर्स लगातार मूसेवाला की थार जीप का पीछा करते रहे।
इस दौरान मूसेवाला के दोस्त गुरप्रीत जो फ्रंट सीट पर मूसेवाला के बगल में बैठे थे उसे शक हुआ। उसने कहा कि लगता है टोयोटा कोरोला कार हमारा पीछा कर रही है। ये सुनकर मूसेवाला ने कार को देखा और कहा, अरे ये मेरे फैंस होंगे, मेरे साथ फोटो खिंचवाना चाहते होंगे, ऐसा मेरे साथ अक्सर होता है। कुछ ही दूर चलने के बाद शूटर्स ने अपना रास्ता भी बदल दिया। इस जगह पर मूसेवाला की थार सीधी चली गई और शूटर्स ने अपनी कार दूसरी सड़क पर मोड़ ली। ये सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी सीधी चली गई और ये गाड़ी हम शूटर्स की तरह जा रहे हैं। जैसे ये सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी सीधी चली गई थी, शूटर इस रास्ते से गए थे, इसीलिए इस रास्ते पे हम आपको दिखा रहे हैं ले जाकर ये थार गाड़ी को भी और अपनी गाड़ी को भी। हम उन्हीं जिस तरह से पीछा कर रही थी गाड़ियां, उसी तरह से हम जो है वो पीछा कर रहे हैं। जो दूसरी तरफ सड़क चल रही है वहां से सिद्धू मूसेवाला जा रहे थे और यहां ये थार गाड़ी जहां चल रही है यहां से शूटर्स। कोरोला कार जब दूसरी रास्ते पर गई तब मूसेवाला ने अपने दोस्तों को कहा, देखा वो फैंसी थे, वो दूसरे रास्ते पर चले गए। इसके बाद एक और पुलिस नाका आया। अलर्ट की वजह से उस दिन पुलिस ने नाकेबंदी कर रखी थी। यहाँ पर नाका था, इतना नाका पूरा नाका, बड़ा नाका था, पुलिस नाका, जैसे हमने पीछे आपको दिखाया वो जो मेन सिटी पे नाका रहता है उसी तरह यहाँ नाका था। ब्लू स्टार ऑपरेशन की बरसी है, पंजाब में अलर्ट था ऑलरेडी, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अलर्ट दे रखा है। तो यहाँ पर नाका था और वो आराम से शूटर्स जो है वो क्रॉस करके यहाँ से निकल गए। इस नाके को आराम से पार करने के बाद शूटर्स की कार दूसरे रास्ते से फिर मूसेवाला की जीप के पीछे आ गई। ये देखिए, ये हम आपको रिक्रिएट करके दिखा रहे हैं। इस तरफ से थार आ रही थी, ये आप देख सकते हैं, और ये रास्ता वहीं सीधा जाता है। हाँ, 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 वहीं सीधा जाता है। और ये देखिए, ये थार, अब हम इसके पीछे फिर लगेंगे। ये देखिए, यहाँ से शूटर की गाड़ी वहाँ से वो पुलिस नाके को क्रॉस करके आ गई और यहाँ से ये पूरी गाड़ी क्रॉस करती है, आपको हमने दिखाई। तो अब हम फिर बैठेंगे, जिस तरह से लोग उनको फॉलो कर रहे थे उसी तरह से हम आपको करके दिखाएंगे। इसके बाद शूटर्स कोरोला कार में जीप के पीछे पीछे चलने लगे। जिस तरह सिद्धू मूसेवाले की गाड़ी थी वही काली गाड़ी है, उसी तरह की थार जीप है और ये चल रही है। उसी तरह वो जो शख्स पीछे बैठे हैं, इसी तरह उनका दोस्त एक पीछे बैठा था, एक उनके साथ गुरप्रीत आगे बैठा था। राजेंद्र जी पूरी तस्वीरें बता रहे हैं। और यहां से राजेंद्र जी कितना समय लगेगा उस स्पॉट तक पहुंचने के लिए जहां ये घटनाक्रम हुआ? बस दो तीन मिनटों की बात है जी, दो तीन मिनट में। हाँ जी, हाँ जी, वो सामने है जी। अच्छा, सामने। ये देखिए कि अब हम उस स्पॉट पे पहुंचने वाले हैं और आपको बताएंगे किस तरह से जो है राजेंद्र जी वहां पहुंचे, क्योंकि ये उन शख्स में से थे, पहले वो लोग थे जो वहां पर पहुंचे। इसके बाद पहला मोड़ आया और उसके बाद दूसरा और आखिरी मोड़ आया, जहाँ सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी को ओवरटेक कर शूटर्स ने थार जीप पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। ये वो मोड़ है, आपको दिखा दें। इसी तरह सिद्धू की वो कैमरा इस घर पे ऊपर, वो जो कैमरा जो उतारा गया है अभी पुलिस ने उतार लिया है। ये देखिए, ये मोड़ मुड़ रहा है तेज, आपको सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये मोड़ यहाँ से मुड़े और साथ ही वो फिर अगला मोड़ मुड़ गए। हाँ, मोड़ ये ऊपर की गड्डी घुमा ली। तो ये गाड़ी अब वहीं हम खड़ी कर रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि इसी ये एग्जैक्ट पॉइंट है जहाँ हम पहुँच गए। राजेंद्र जी हमारे साथ है और ये देखिए, ये एग्जैक्ट पॉइंट है। यहाँ पर आपको गोलियां लगी भी दिखाई देंगी और यहाँ पर आपको ये पूरी तस्वीर, यहाँ पर गाड़ी रोकी गई। शूटर्स ने थार जीप के तीन टायरों में गोलियां मारकर पंचर कर दिया। कुछ शूटर्स थार की बोनट पर चढ़ गए और मूसेवाला को निशाना बनाकर फायरिंग करने लगे। आपको बता दें कि बोनट पे चढ़ के यहाँ इस बोनट पे चढ़ के इस तरह से शूट किया होगा उन्होंने। यहाँ हिम्मत देख सकते हैं आप, इधर मूसेवाला है, मूसेवाला के साथ उनका दोस्त बैठा है, उसके पीछे एक शख्स है और यहाँ चढ़ के इस तरह से उन किया। वहाँ एक शख्स जो है वो वीडियो बना रहा था, उधर भी जो है वहाँ पर फायर किया उन्होंने। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर हरियाणा की तरफ जाने वाली सड़क पर कोरोला कार से फरार हो गए। इसी सड़क पर कुछ दूरी पर हमलावरों ने ऑल्टो कार लूटी और कोरोला कार छोड़कर ऑल्टो से फरार हो गए। नरेंद्र जी, ये वो स्पॉट है जहाँ से गाड़ी खोई गई, उन्होंने गाड़ी खड़ी। बिल्कुल जी, इतों आ खारा पिंड है, ये नरेंद्रपुर नहीं जाती है, जी आल्टो गड्डी खोई है आ थान पर खोई है। इतों किलोमीटर खारा पिंड है, इतों सवा डेढ़ किलोमीटर नरेंद्रपुरा की पुलिस की चौकी हैगी। अच्छा, तो मुँह के इतों आल्टो गड्डी उन्होंने पिस्तौल की नोक से खोली। यहाँ से भी देखिए आप, शूटर्स के जो हौसले कितने बुलंद थे, यहाँ से वो
होकर गाड़ी जो है वो यहाँ से छीन कर ले गए और फिर उस ऑल्टो गाड़ी से आगे बढ़े। जहाँ ऑल्टो कार लूटी उससे करीब 1 किलोमीटर दूर पर नरेंद्रपुर चौकी पड़ती है। हत्यारे उस चौकी के आगे से भी आराम से फरार हो गए। तो आपने देखा कैसे 7 से 8 शूटर्स ने मूसा गांव से जवाहर के गांव के बीच की 10 किलोमीटर की दूरी तय की, कई पुलिस नाकों को बेखौफ पार किया, कहीं भी उनकी चेकिंग नहीं हुई। इसलिए यह अपने आप में बड़ा सवाल है कि कैसे बिना चेकिंग के हथियारों की गाड़ी को आगे जाने दिया गया। अगर कातिलों की गाड़ी को एक भी नाके पर रोका जाता तो शायद सिद्धू मूसेवाला की जान बच सकती थी।